हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए आज आप तक एक बहुत ही इम्प्रेसिव वीडियो मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का मेरा टॉपिक बड़ा ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स कि कुछ हम आपको नया सिखाने चले हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे आईएच का यूज हम सिखाने वाले हैं फ्रेंड्स, और इसका वाक्य हम प्रायः स्पोकन में करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे हर वीडियो का उद्देश्य आपके स्पोकन को स्ट्रांग बनाना है, इम्प्रेसिव बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना होता है। माने हर मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी स्पोकन अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और बहुत ही यूजफुल होती है, निश्चित रूप से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको इसे उसी स्तर से सीरियसली आपको टेकअप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज आईज डॉट आईज आईज का यूज जो प्रायः यूज होता है स्पोकन में, अभी आप देखेंगे और एहसास करेंगे कि वास्तव में इसका यूज तो बड़ा ही अमेजिंग है। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसका अर्थ किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करके इसको यूज करेंगे। सपोज कीजिए मैं आपके समक्ष वाक्य है, सीता उतनी लंबी है जितनी की राधा। ये फ्रेंड्स वाक्य है, सीता उतनी लंबी है जितनी की राधा। अब यहां पर आपको क्या लगता है कि दो छात्राएं हैं, एक सीता है और एक राधा। कहा जा रहा तुलना हो रही है, सीता उतनी लंबी है, माने सीता और राधा दोनों की लंबाई सेम है, सीता उतनी लंबी है जितनी की राधा। यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में होता है कि सीता राधा से ज्यादा लंबी है, सीता राधा से छोटी है, तो फ्रेंड्स वहां पर डिग्री का यूज होता। लेकिन यहां पर मैं आपको जो अब सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अटेंटिव होते हुए पेन कॉपी का यूज कीजिए मेरे साथ। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सीता उतनी लंबी है जितनी की राधा, माने सीता और राधा दोनों की लंबाई सेम है, बराबर है। तो इस ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इसका अनुवाद हम कैसे बना दें, सीता उतनी लंबी है जितनी की राधा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों के लिए आपको यूज करना होगा सीता इज, देखें उतनी लंबी है जितनी की राधा। यहां पर आपको कुछ घबराहट की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिखेंगे सीता इज, अब आईज लंबाई की बात है फ्रेंड, तो लिखेंगे टाल आईज, टाल आईज। अब यहां पर आप देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आईज आईज का यूज है, तो आईज डॉट डॉट आईज, तो आईज हमने लिखा और डॉट डॉट जो भी आपका एडजेक्टिव है, लंबा छोटा मोटा पतला बुद्धिमान मूर्ख जैसी भी बातें हैं, तो आप वहां पर आईज टाल का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। आईज डॉट डॉट की जगह पर उस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर सीता इज आईज टाल आईज, सीता इज सीता है, आईज टाल उतनी लंबी, आईज राधा जितनी की राधा, सीता उतनी लंबी है जितनी की राधा। यहां बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन मोहन उतना साहसी है जितना कि शेर। मोहन उतना साहसी है जितना कि शेर। अब यहां पर आपको देखना है कि फ्रेंड्स कैसे आप इनको बनाएंगे। सेम वही स्ट्रक्चर यहां भी है, मोहन उतना साहसी है, तो आप पहले लिखेंगे मोहन इज आईज, साहसी के लिए ब्रेव का प्रयोग करें, चाहे करें जी एस सी ओ यू आर ए जी ई ओ यू एस,
दोनों सेम है, मोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोहन उतना बहादुर है जितना कि शेर, माने मोहन शेर से किसी माने में कम नहीं है, उतना ही वो विश्वासी है जितना कि शेर। तो मोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन। बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है, आइए हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आपको आईएस डॉट डॉट आईएस का यूज करना है और बिना कंफ्यूज होते हुए अपने वाक्यों को इंप्रेसिव स्टाइल में आप यूज कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल का यूज देखते हैं, किस ढंग से इसको हम और यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यदि मैं कहूं लता उतनी सुंदर है, आप भी मेरे साथ नोट करते रहें, लता उतनी सुंदर है जितनी या जितना कि चांद। और फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं लता और चांद की तुलना की जा रही है कि लता उतनी ही सुंदर है जितना कि चांद। अब आप समझिए, दोनों की ब्यूटीनेस बराबर है, लता भी चांद से कम नहीं है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, लता उतनी सुंदर है जितना कि चांद, तो आप लिखेंगे लता इज एज ब्यूटीफुल, लता इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। ये फ्रेंड्स, यहां पर मून की जगह लता उतनी सुंदर है जितना कि गुलाब, तो एज द रोज, एज द मेरी गोल्ड, जो भी यूज होगा उसका प्रयोग करेंगे। मेरा सेंस सिर्फ यह है एज डॉट डॉट एज, तो एज डॉट डॉट की जगह पर आप जो एडजेक्टिव होगी उसका यूज करेंगे। तो लता इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, लता उतनी सुंदर है जितना कि चांद, ठीक है ना? वह इतना मूर्ख है, नोट करें, वह इतना मूर्ख है, वह इतना मूर्ख है जितना कि गधा। वह इतना मूर्ख है जितना कि गधा। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे बनाएंगे? ही इज एज फूल, या तो आप स्टूपिड भी यूज कर सकते हैं, और एज, ही इज एज फूल या एज स्टूपिड एज आई एम एज। ही इज एज फूल स्टूपिड डॉट डॉट में है, पुनः एज आ गया। अब यहां पर आप देखिए एज डॉट डॉट एज आई एम एज, ही इज एज फूल एज आई एम एज, वो उतना मूर्ख है जितना कि गधा। तो ये स्टाइल है फ्रेंड्स अनुवाद करने की। निश्चित रूप से आप ऐसे वाक्यों को इसी स्टाइल में बनाएंगे और कभी भी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट यूज आपको मिल रहा है, और इसी के साथ इसी क्रम में मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। क्या एक और? चलिए एक और देख लीजिए भाई, कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर एक और, तो चलिए लिख लीजिए। श्याम, नोट कीजिए, उतना काला है, श्याम उतना काला है जितना कि कोयला। अब यहां पर श्याम की तुलना कोयला से की जा रही है, आपने कोयला को देखा है, कोयला इज इंटायरली ब्लैक, तो कोयले की ब्लैकनेस को कम नहीं बताया जा रहा है किससे? श्याम से। मन श्याम उतना ही काला है जितना कि कोयला होता है। तो आप कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे श्याम इज एज ब्लैक, श्याम इज एज ब्लैक एज कोल। यदि मैं कहूं श्याम उतना काला है जितना कि कोयला की जगह कोयल कर दें, तो एज कुक्कू हो जाएगा, सी यू सी के डबल ओ, कुक्कू मीन्स कोयल, लेकिन यहाँ कोयला है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको कोयला की जगह पर कोल माने कोयला, सी ओ ए एल होता है। तो श्याम इज एज ब्लैक एज कोल।
श्याम उतना ही काला है जितना कि कोयला। फ्रेंड्स अब ज़्यादा वीडियो लंबी हम नहीं कर रहे हैं, होमवर्क के रूप में आप नोट करें, तुम उतने अच्छे हो जितना कि मोहन, तुम उतने ही अच्छे हो जितना कि मोहन। अभी होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूँ, हम चाहेंगे कि इसको आप बनाएं और इसी प्रकार के वाक्य जो आपकी लाइफ में उपयोगी सिद्ध होंगे निश्चित रूप से, आप ऐसे ढेर सारे वाक्यों को तैयार करें, बनाएं और अपने आप में प्रैक्टिस करके इम्प्रेसिव स्टाइल में स्पोकन का यूज करें। फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कमेंट शेयर के साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।